जादू। लेखक रोंडा बर्न। 16वां दिन। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट अगस्टीन। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो भी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecret.tv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ लें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य और स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है, और ये ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है, वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलियों को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायतें की जा सके। इसीलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बड़ा जोखिम में डाल रहे हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य के लिए और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उस सबसे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है, ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए, और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रियामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया। अतीत। बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपने जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला था, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन तीन अलग अलग समय याद करें, जब आप खुद को सारे संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से तीन अलग अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें, जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह ना सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करता है बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हम इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार और भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं को इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो एक मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हों जैसे आपको यह सचमुच मिल गई हो। इसीलिए अगर आप किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय के जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपनी सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं तो आदर्श ढंग से लचीले और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उस आदर्श वजन पर खुद की कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप इसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हों। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक हैं। हिप्पोक्रेट्स, पाश्चात्य चिकित्सा के जनक। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। एक मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुए सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।